पहला अभ्यास हम करेंगे भू नमन आसन। भू नमन आसन एक ऐसा अभ्यास होता है जिसे करने से हमारे स्पाइन से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं। सबसे पहले आपने ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं, कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हथेलियों को ऐसे राइट साइड ऐसे रख लेते हैं, ऐसे अपनी दोनों अंगूठों को ऐसे आपस में मिला लें और इस स्थिति में ध्यान रहे आपके हिप्स जमीन को स्पर्श कर रहे हैं और दोनों पैर बिल्कुल सीधे पंजे आगे की तरफ तने हुए हों और फिर इसके बाद आपने श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं, अपनी ठोड़ी को या फिर अपने माथे को ऐसे जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही भू नमन आसन, जिसे भूमि को प्रणाम करने वाला आसन भी कहा जाता है, की पोजिशन पर रहते हैं। दोस्तों यह ट्विस्टिंग का एक बहुत अच्छा अभ्यास है, इसे करने से जिन लोगों को कितनी भी पुरानी कमर दर्द पीठ दर्द की शिकायत हो की समस्या दूर होती है। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे सीधे दोनों साइड से कम 4 से 5 बार कीजिए। इस भू नमन आसन की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे जितना आप फैला सकते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार उतना फैला लेते हैं और इसके बाद श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपनी ठोड़ी को और या फिर अपने माथे को जमीन पर ऐसे स्पर्श करा लें और अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने अंगूठों को पकड़ लेते हैं और कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही इस भू नमन आसन की पोजीशन पर रहते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। दोस्तों यह अभ्यास स्पोर्ट्स के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है और फिर इसके बाद आपने श्वास अंदर भरते हुए सीधे फिर ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं, ऐसे दंडासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने ठोड़ी को या फिर अपने माथे को जमीन ऐसे अपने घुटने पर लगाते हुए श्वास अंदर भरते हुए सीधे हम करेंगे हनुमान आसन, जिसे मंकी पोज भी कहा जाता है। यह एक बहुत ही अच्छा हिप ओपनर अभ्यास है और इस अभ्यास को स्टूडेंट्स और यंगस्टर में जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। जिन लोगों को डीप बटक सिंड्रोम की समस्या होती है, हिप्स में पेन, कुल्हों में दर्द की शिकायत होती है, उन लोगों के लिए भी यह एक बेस्ट अभ्यास है। सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजिशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं और फिर सांस छोड़ते हुए ऐसे आपने डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजिशन पर ऐसे आना है। कुछ देर ऐसे ही रुकते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाइए, आपका पैर बिल्कुल सीधा पंजा ऊपर की तरफ तना हुआ हो और 10 सेकंड ऐसे ही रुकते हैं और फिर इसके बाद अपने पैर को ऐसे राइट हथेली के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने लेफ्ट पैर को भी बिल्कुल सीधा करते हुए और फिर इसके बाद अपने राइट पैर को ऐसे धीरे धीरे ऐसे सीधा करने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग अगर आप बिगनर्स हैं तो सबसे पहले अपने नीचे से तकिया रखकर इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए और फिर धीरे धीरे ऐसे जमीन पर ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे रख लेते हैं, आपका पंजा ऐसे आगे की तरफ तना हुआ हो और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाइए, श्वास अंदर भरते हुए पीछे या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाते हुए कम से कम 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक ऐसे ही मंकी पोज की पोजीशन पर रहते हैं। दोस्तों यह अभ्यास महिलाओं के लिए, युवतियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी अभ्यास होता है। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं, अपने माथे को ऐसे अपने घुटने पर लगाइए, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऐसे ही कम से कम 8 से 10 बार अप डाउन करते हैं और फिर ऐसे श्वास अंदर भरते हुए पीछे और फिर इसके बाद ऐसे अपने पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें और
डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आइए, फिर ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से करेंगे। अब आपने अपने लेफ्ट पैर को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे लेफ्ट हथेली के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करें। आपका पैर बिल्कुल एक सीधी रेखा की तरह रहे। और ऐसे अपने दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा बनाकर या फिर श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, और फिर ऐसे अपने शरीर को ऐसे ट्विस्ट के साथ ही सब अभ्यास को कीजिए। ऐसे अपने पैर को ऐसे मोड़ लें, उसी के बाद अपने पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं और चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं।